Hey friends, I'm Sonali. Welcome back to my channel. I am makeup lover. आप भी अपने आप को मेकअप लवर्स कह सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको मेकअप से हो जाए इश्क वाला लव। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो है ब्यूटी ब्लेंडर्स के लिए। तो ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, इसे कैसे यूज करना है, क्या डूज है, क्या डोंट है, आज की वीडियो में मैं इन सब टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो पूरी की पूरी देखिएगा। के दिमाग में ब्यूटी ब्लेंडर का नाम सुनते ही एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्यूटी ब्लेंडर, हाउ डू वी यूज इट, व्हाई डू वी यूज इट। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स कि आप भी अगर ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना चाहते हैं और अगर अच्छे से कर नहीं पाते तो आप भी इसको यूज करने में प्रो हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो बात है वो है ये ब्यूटी ब्लेंडर की साइज। मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर लोकल स्टोर से परचेज किया था, 80 रुपीज आई गेस, और मार्केट में आपको हाई एंड के भी ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाएंगे और लो एंड के भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का मैंने, सबसे पहले तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर को समझना है, ब्यूटी ब्लेंडर होता क्या है। ब्यूटी ब्लेंडर हम फाउंडेशन को या मेकअप के स्टेप्स को करने के लिए यूज करते हैं, मेनली वो ब्लेंडिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर की शेप की बात करूंगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर डिफरेंट शेप्स में आते हैं, छोटे, बड़े, राउंड, बहुत सारे शेप। मेरे पास जो है वो इस शेप का है, आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा कर्वी है एंड देन यहाँ पे हल्का कर्व होके यहाँ पे फ्लैट है। तो सबसे पहले शेप समझना है। ये जो टिप है ये आपके आईज के पास, नोज के पास और लिप्स के पास ब्लेंड करने के लिए होता है। जो मिडिल पोर्शन होता है ये आपके हार्श लाइंस को यानी क्रीज लाइन को ब्लेंड करने के लिए होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई कॉन्टोर शेड लगाया तो उसे ब्लेंड करने के लिए मैं ये मिडिल पोर्शन यूज करूंगी। इससे आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्टोरिंग मिलेगी। हेयर लाइन के पास आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो फ्लैट है। बहुत सारे डिफरेंट साइजेस और शेप्स के ब्यूटी ब्लेंडर अवेलेबल है, तो हमें हमेशा बॉटम वाला जो पार्ट है वो फोरहेड, चिन, चीक, जॉ लाइन यानी जो ब्रॉडर एरिया है उन्हें यूज करने के लिए हमें अपना बॉटम पार्ट यूज करना है। ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई यूज नहीं करते हैं। अगर आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को मिक्स करेंगे तो जो भी फाउंडेशन होगा वो आपका ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर लेगा यानी उसको सोख लेगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपको पानी लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर को उसमें डिप कर देना है एंड देन एक्सेस स्क्वीज आउट करना है और आपका जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है वो रेडी टू यूज है। अब अगर आप प्रोडक्ट पिक करेंगे और उससे अप्लाई करेंगे तो ये जो है वो प्रोडक्ट को सोक नहीं करेगा, उल्टा ये आपको बहुत ज्यादा एयरब्रश टाइप का फिनिश देगा। सेकेंड, डोंट, आपको क्या करना है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो फाउंडेशन लेते हैं और उसे ड्रैग कर करके लगाते हैं यानी फाउंडेशन को ड्रैग करते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ड्रैग करके ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करते हैं। ये रॉन्ग है, आपको ऐसे अप्लाई नहीं करना, आपको प्रोडक्ट लेना है और उसे सिर्फ बफ करना, जस्ट सिंपली हल्का 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 बफ करना है, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि प्रोडक्ट आपकी स्किन में आराम से अंदर चला जाए और बिल्कुल सीमलेस एयरब्रश टाइप का फिनिश दे। जब भी आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करते हैं या जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा ब्यूटी ब्लेंडर का टिप बहुत गंदा, क्लेंजर लगा के हल्का हल्का आपको इसे क्लीन करना है, लाइक दिस। आपको इसे ऐसे 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 स्क्रब नहीं करना, बिल्कुल अपने फिंगर टिप से हल्का हल्का आपको इसे प्रेस करना है, ये क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे स्क्रब करेंगे तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर फट जाए। अब इसे स्टोर कैसे करना है, आप इसे बिल्कुल भी किसी बंद बॉक्स में मत रखिए, आपको इसे स्टोर नॉर्मली अपने मेकअप पाउच में कर देना और उसका जो जिप है वो बिल्कुल बंद नहीं करना है। आप चाहे तो इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल टेम्परेचर इसे मिलता रहे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें अपने ब्यूटी ब्लेंडर को जेंटल क्लेंजर से वीक में एक बार जरूर क्लीन करना चाहिए, वरना वो उसमें बैक्टीरिया बन जाएगा और हमारे फेस पे अप्लाई करने के बाद हमें पिंपल और एक्ने पॉप आउट होने लगेंगे और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इवन आप भले ही वीक में एक बार अपने ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन क्यों ना करते हो, आपको 7 से 8 महीने बाद अपने ब्यूटी ब्लेंडर को जरूर चेंज कर लेना चाहिए। सो गाइज, आई होप ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, इन सब सारी प्रॉब्लम्स का आपको आंसर मिल चुका होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले हेल्पफुल वीडियो में। टिल देन बाय।